Hello, my dear kids. I hope you all are fine. Our today's English topic is this and that. This is page number 34 of your English book. So let's start. As you can see in this picture, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक boy है और एक dog. This is a dog. यह एक dog है. यहाँ पर dog singular भी है और boy के past में भी है. इसलिए हमने यहाँ पर this का use किया है इस sentence में. This is a dog. Now next picture देखिए, यहाँ पर एक गर्ल है और एक कैट है. कैट गर्ल से दूर है और सिंगुलर भी है, इसलिए हमने यहाँ पर दैट इज अ कैट, दैट का यूज किया है. वह एक कैट है. नाउ नेक्स्ट पिक्चर देखिए, आप यहाँ पर एक बॉय है और एक फिश है. आप देख सकते हैं फिश बॉय के बहुत पास में है और सिंगुलर भी है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में दिस का यूज किया है. दिस इज अ फिश. यह एक फिश है. नाउ नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पर एक गर्ल है और एक फ्रॉग है. फ्रॉग गर्ल से काफ़ी दूर है और सिंगुलर भी है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में दैट का यूज़ किया है. दैट इज़ अ फ्रॉग. वह एक फ्रॉग है. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पर एक बॉय है और एक डियर है. डियर बॉय के बहुत पास में है, इसलिए हमने यहाँ पर दिस का यूज़ किया. वह सिंगुलर भी है, इसलिए हमने यहाँ पर दिस का यूज़ किया है इस सेंटेंस में. दिस इज़ अ डियर. यह एक डियर है. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, एक गर्ल है और एक बियर है. बियर गर्ल से काफ़ी दूर है और सिंगुलर भी है, इसलिए हमने यहाँ पर दैट का यूज़ किया है. दैट इज़ अ बियर. वह एक बियर है. आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए माय डियर किड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉय है और एक लॉक है. लॉक बॉय से काफ़ी पास में है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस में हमने दिस इज़ अ लॉक, दिस का यूज़ किया है. लॉक सिंगुलर भी है, इसलिए यहाँ पर हमने दिस का यूज़ किया है. दिस इज़ अ लॉक. यह एक लॉक है या यह एक ताला है. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पर एक गर्ल है और एक की है. की गर्ल से काफ़ी दूर है, इसलिए इस सेंटेंस में हमने दैट का यूज़ किया है. वह सिंगुलर भी है, इसलिए यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है सेंटेंस में. दैट इज़ अ की. वह एक चाबी है या वह एक की है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल माई डियर किड्स, दिस इज़ अ मंकी. यह एक मंकी है. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉय है और एक मंकी. मंकी बॉय के पास में है, इसलिए हमने यहाँ पर दिस का यूज़ किया है. और सिंगुलर भी है, इसलिए भी हमने सेंटेंस में दिस का यूज़ किया है. दिस इज़ अ मंकी. यह एक मंकी है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए माई डियर किड्स, यहाँ पर एक गर्ल दिखाई देगी आपको और एक लॉयन दिखाई देगा. लॉयन गर्ल से काफ़ी दूर है, इसलिए हमने यहाँ पर दैट का यूज़ किया है. दैट इज़ अ लॉयन. लॉयन सिंगुलर भी है, इसलिए भी सेंटेंस में दैट का यूज़ किया गया है. दैट इज़ अ लॉयन. वह एक लॉयन है या वह एक शेर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक बॉय है और एक क्लॉक है. क्लॉक का मतलब घड़ी. घड़ी बॉय के पास में है, इसलिए यहाँ पर दिस का यूज़ किया गया है. दिस इज़ अ क्लॉक. यह एक क्लॉक है. घड़ी सिंगुलर भी है, इसलिए भी यहाँ पर दिस का यूज़ किया गया है. यह एक क्लॉक है या यह एक घड़ी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक गर्ल है और एक काइट है. काइट का मतलब पतंग. काइट गर्ल के पास नहीं है, काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है सेंटेंस में. और सिंगुलर भी है, इसलिए भी यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है. दैट इज़ अ काइट. वह एक पतंग है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक बॉय है और एक कार है. कार बॉय के पास में है और सिंगुलर भी है, इसलिए यहाँ पर दिस का यूज़ किया गया है. दिस इज़ अ कार. यह एक कार है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक गर्ल है और एक बस है. बस गर्ल के पास नहीं है, काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है. बस सिंगुलर भी है, इसलिए भी यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है. दैट इज़ अ बस. वह एक बस है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए माय डियर किड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉय है और एक ऑक्स है. ऑक्स बॉय के पास में है और सिंगुलर भी है, इसलिए यहाँ पर दिस का यूज़ किया गया है. दिस इज़ एन ऑक्स. यह एक ऑक्स है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक गर्ल है और एक एलिफेंट है. एलिफेंट गर्ल से काफ़ी दूर है और सिंगुलर भी है, इसलिए यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है. दैट इज़ एन एलिफेंट. वह एक एलिफेंट है. आई होप किड्स, यूज़ ऑफ दिस एंड दैट इज़ क्लियर टू यू. वी विल सून मीट विद अ न्यू टॉपिक. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू प्रैक्टिस इट एट योर होम.